तो आज हम टीवीएस स्पोर्ट बाइक में क्लच प्लेट सेटिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्लच प्लेट है और हमने पूरा चीज़ खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये पुराना वाला क्लच प्लेट है, इसका जो लेदर से होते हैं वो चीज़ थोड़ा घिस चुका है। और इसी के साथ साथ हमारा जो सेंटर और हब होता है उस चीज़ में भी हमारा थोड़ा दिक्कत है। तो हम इसके साथ साथ हम सेंटर हब और प्रेशर प्लेट को भी हम चेक करेंगे और इसी के साथ हमारा जो जो चीज़ ख़राब होगा वो सभी चीज़ों को हम चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास प्रेशर प्लेट है, जो कि ये चीज़ हमारा हालांकि जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आपका बाइक 7 साल 8 साल या 6 साल हो चुका है या 30,000 40,000 किलोमीटर चल चुका है तो इसके दौरान हमें प्रेशर प्लेट बहुत ही ज़रूरी होता है चेंज करना। तो ये जो हमारा क्लच प्लेट है हालांकि ज़्यादा नहीं घिसा है, हल्का फुल्का घिसा है, पर सेंटर और हब जो होता है वो चीज़ घिसने के कारण से ही हमारा पिकअप डाउन कर जाता है। आप सेंटर की अगर बात करें, सेंटर आप देख सकते हैं ये चीज़ भी थोड़ा घिसा हुआ है। अगर इसमें हम क्लच प्लेट नया भी लगाते हैं तब पर भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और जल्दी पिकअप कम हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इसमें पूरा सेटिंग सेट लगाने वाले हैं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर। तो ये हमारे पास पूरा जेन्युइन पार्ट्स है जो कि आप टीवीएस का देख पा रहे हैं। तो जब भी आप अगर लगाना चाहते हैं अपने बाइक को, कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छी पार्ट्स डलवाना चाहते हैं, तो आप जेन्युइन लगाएं, टीवीएस कंपनी का ओरिजिनल लगाएं बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्लच प्लेट है आप देख सकते हैं, और ये हमारा हब है जो कि मैकिनो ब्रांड का आता है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये भी जो है ये भी मैकिनो ब्रांड का ही होता है। जैसे हम अगर ओरिजिनल कोई भी पार्ट से टीवीएस में लेते हैं तो हमें मैकिनो ब्रांड का ही कंपनी का ही मिलता है। और ये हमारा प्रेशर प्लेट हुआ। तो इसी के साथ गाइस अब देखिए इसको लगाना पूरा कैसे, मैं आपको बता दूं कंप्लीट करेंगे लगाने के लिए। अब सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास ये ओरिजिनल क्लच प्लेट है, उसके बाद आपको लगाना है एक प्लेट ऐसे लगाना है। सबसे पहले हमें क्लच प्लेट लगाना है और उसके बाद इस और फिर प्रेशर प्लेट लगाना है। इसमें ये वाला धार जो होता है ये हमें ऊपर की ओर रखना है और ये चिकनी वाला पार्ट नीचे की ओर रहेगी। ये इस तरीके से जिस बाइक में हम लगाए ये इसी तरीके से प्रेशर प्लेट हमारा सेटिंग होता है। ये हमारा क्लच प्लेट हुआ, फिर प्रेशर प्लेट हुआ। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बाइक, हमने आज क्लच प्लेट लगवाया, हमारा 1 महीना 2 महीना चला, फिर क्लच प्लेट उड़ गया, फूक गया, जल गया, तो इस तरीके का अगर समस्या होती है या आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए, अच्छी पिकअप चाहिए, गाड़ी दमदार चाहिए कि नहीं भाई हम एक बार खर्चा करें तो हमारा बाइक कुछ दिन चले, तो इस तरीके में दोस्तों आपको इस तरीके से पूरा सेट लगाए जो कि हमारा बहुत ही काफ़ी दिन चलेगा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। चलिए हमारा आज के वीडियो में बस इतने ही। अब हम क्लच प्लेट लगाते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।